सवाल है कि ये जो आजकल मुसलमानों के खिलाफ या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कार्टून्स वगैरह बनाए जाते हैं, मुकाबले होते हैं, अभी रिसेंटली यहाँ पे भी इस तरह के वाकयात पेश आए, तो इसमें मुसलमान आमतौर से रिएक्ट करते हैं, जुलूस निकालते हैं, कत्ल गारत की भी धमकी देते हैं, तो इसमें सही रवैया क्या होना चाहिए? बिल्कुल नजरअंदाज कर दीजिए इस तरह की चीजों को। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की शख्सियत आफ्ताब की तरह रोशन हो चुकी, इस वजह से कोई भी इस रोशनी को गुल नहीं कर सकता। ऐसे मौक़ों पर बहुत शाइस्तगी और तहजीब के साथ ऐसे इज्तिमात मुनक़िद कीजिए जिसमें आप रसूलुल्लाह की सीरत को बयान करें, आप बताएं कि वो क्या हस्ती थी, उनका अखलाक क्या था, उनका किरदार क्या था। मैं आपसे अर्ज करूं कि आम तौर पर हमारे यहाँ चूंकि हुजूर को कुछ जंगें भी करनी पड़ी तो इसका बड़ा गलबा हो गया है, वरना जो अखलाकी शख्सियत है वो बेमिसाल शख्सियत है। मैं घंटों आपको बता सकता हूँ कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर शफीक, किस कदर नरम, किस कदर मोहब्बत करने वाली शख्सियत। यानी आप सोचिए जरा कि एक शख्स खुदा का पैगंबर है, लोग उस पर जान निसार करने के लिए तैयार हैं। किसी आदमी से किसी मौके के ऊपर जब हिजरत किया तो कर्ज लिया, और वो शख्स कर्ज की वापसी के लिए मस्जिद नबवी में आके तकरार कर रहा था। हुजूर ने उसको कहा कि मैं अनकरीब अदा कर दूंगा। एक दो मरतबा ये बात कहने के बावजूद वो बाज नहीं आया और उसने बदतमीजी शुरू कर दी, तो सहाबा में से बाद लोगों ने उसको आगे बढ़ के रोकना चाहा, तो आप देखिए रसूलुल्लाह ने क्या जवाब दिया। इन्ला ने साहेब हक के मकाला, भाई जिसका हक है उसको कोई बात कहने का भी हक है, इसको कुछ ना कहो। आप सोच सकते हैं ये बात। मैंने एक मरतबा, एक आलिम थे तो मेरे जानने वाले थे, मैं उनके पीछे जुमा पढ़ने के लिए गया तो उनसे किसी आदमी ने सवाल किया, कोई चिट एक लिखी और पकड़ा दी आगे के ज़रा पहुंचा दीजिए। तो उन्होंने चिट पकड़ी और कहा कि कितना अफसोस है, क्या ज़माना आ गया है, हमें कभी सवाल करना होता था किसी आलिम से तो हम दो रकत नमाज पढ़ते थे, वज़ू करते थे, पहले गौर करते थे, हो सकता है खुद ही जवाब मिल जाए, फिर वक्त लेते थे, फिर घर में हाजिर होते थे, कुछ नज़र न्याज भी पेश करते थे, उसके बाद अदब के साथ पूछते थे कि कभी आपको मौका मिले तो अज़रा करम सवाल का जवाब दे। ये तंबीह करके उन्होंने फिर आखिर में सवाल का जवाब दिया। वो जब फारिग हो गए तो मेरा भी उनसे दोस्ती का ताल्लुक था, तो मैंने उनसे कहा कि मालना वो एक वाकया है मुअत्ता इमाम मालिक में बयान हुआ है, जो हदीस की पहली किताब है, कि रसूलुल्लाह सल्लम जुमे का खुतबा दे रहे थे। यानी आप जरा देखिए क्या शख्सियत थी, जुमे का खुतबा दे रहे थे। जुमे के खुतबे के दौरान में एक शख्स उठा और उसने उठ के ये कहा कि मुझे तो दूर जाना है जुमे के बाद, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे कुछ सवाल करने हैं। रसूलुल्लाह ने जुमे का खुतबा बंद कर दिया, आप नीचे उतरे, उसके सवालों का जवाब दिया, इसके बाद खुतबा शुरू कर दिया। तो आप तारुफ कराइए उस हस्ती का कि वो क्या शख्सियत थी, उनका खुल्क क्या था, उनकी सीरत क्या थी, वो अपनी बीवियों से कैसे मामला करते थे, वो बच्चों से कैसे मामला करते थे, वो अपने सहाबा से कैसे मामला करते थे। यानी एक नरम, मैं आपसे अर्ज करूं अल्लाह ताला को कुरान मजीद में रसूलुल्लाह को तवज्जो दिलानी पड़ी है जरा सख्ती से, जानते हैं किस बात पर, नरमी करने पर। यानी जब आखिर में अल्लाह ताला ने फैसला किया कि मुनाफिकीन को अलग करके सजा दी जाएगी, तो उसके लिए तबूक पर सफर करने के लिए कह दिया गया, और अल्लाह ताला के पेश नजर ये था कि ये लोग जब नहीं जाएंगे तो बिल्कुल वाज़े हो जाएंगे। वो आए, उन्होंने हुजूर से इजाजत मांगी, आपने दे दी, तो अल्लाह ताला उस पर तबसरा करते हैं, अफल्लाह उनका लिमाज़िन था, अल्लाह आपको माफ करे ये आपने क्या किया, सारी स्कीम ही खराब कर दी। यानी नरमी मोहब्बत रहमतुल आलमीन है, तो तारुफ कराइए। जो आदमी इस तरह की हरकत करता है उसको कहीं कोई गलत फहमी हुई होती है, उसको रफा कीजिए। और मेरी गुजारिश यह है कि हमें एहतजाज करके दूसरों से अपने पैगंबर के एहतराम की भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। हम आपकी शख्सियत का तारुफ कराएंगे शाइस्तगी और तहजीब के साथ, और मैं आप सर्ज कर दूं कि दुनिया में शाइस्तगी, तहजीब, सब्र और हिकमत इतना बड़ा हथियार है कि इसके मुकाबले में हाइड्रोजन और एटम बम भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस हथियार को लेकर मैदान में आइए। इस वक्त तक हमने क्या किया है, वो लोग के जिनकी कोई तहरीर पढ़ने के लिए भी आमादा ना होता उनको हीरो बना दिया आलमी सतह पर एहतजाज करके, हासिल क्या किया है, कुछ भी नहीं, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो इस रवैये को बिल्कुल तब्दील कर दीजिए और नजरअंदाज कर दीजिए,
रसूलुल्लाह सल्लम ने अपनी जिंदगी में लोगों की गालियां खाई, लोगों ने आपका नाम बिगाड़ा है। आप अंदाजा करें, मेरी जुबान इजाजत नहीं देती, यानी हुजूर के नाम का जो लकब है आपका मोहम्मद, उसका मतलब है तारीफ किया गया, ये बड़ा ही पाकीज़ा नाम है, इसको बिगाड़ा है लोगों ने, लेकिन कोई रद्दअमल नहीं जाहिर किया। और ये जो आम तौर पर आपको बताया जाता है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। सब्र हिकमत के साथ अपने पैगंबर का तारुफ कराइए और उनके अखलाकी वजूद को नुमाया कीजिए, यानी अखलाकी लिहाज से कितनी बुलंदोबाला शख्सियत है ये लोगों को बताइए।